हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर इसमें हमको TCS अप्लाई करना है। अब ये सुभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है, तो इस पे हमें TCS अप्लाई करना है। तो TCS अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F11 की प्रेस करेंगे। गोइंग टू प्रेस F11 की। अब ये F11 की प्रेस करने के बाद कंपनी चूज कर लीजिए और यहाँ से TCS को अप्लाई करना है। तो ये हमारा TCS है, ठीक है। ये वैट को ऑफ कर देते हैं और ये TCS को हम यहाँ से ऑन करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको डालना होगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और ये है टैक्स कलेक्ट डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ डिडक्टी टाइप दिया हुआ है, कलेक्टर टाइप, डिडक्टी टाइप नहीं कलेक्टर टाइप, ये TDS नहीं है, TCS है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कर देता हूं मैं, ठीक है। और इनका ब्रांच देवरिया कर दिया है मैंने, एंटरप्रेस किया। जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन इनका TCS काटेंगे उनका यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उनका पूरा डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए, इसको एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। अब ये हो गया काम हमारा, यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ये TCS हमारा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं परचेस वाउचर में कोई एंट्री पास की है, हाँ पास की है। तो अब हम क्या करते हैं, सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल करने के लिए कहाँ जाना होगा, सेल करने के लिए जाना होगा सेल्स वाउचर में, तो हमें सेल्स वाउचर में जाना है। तो यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर हमें बनाना है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर ये मैं कर देता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री डेटर में, ठीक है। तो ये सन्ड्री डेटर यहां से चूज कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां से TCS एप्लीकेबल हम कर देंगे, ठीक है। और यहां पर इंडिविजुअल रखेंगे, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रख दिया और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर आएंगे तो पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, तो जो भी इनकी पैन की डिटेल है वो जरूर डालिएगा आप, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, एंटर प्रेस किया, प्रोवाइड पैन डिटेल यस कर दीजिएगा, एंटर प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया डेटर पार्टी का लेजर, ओके, और ये बिल्कुल सही बन गया है। अब यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट का लेजर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। ये सेल्स अकाउंट हो गया, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर आइएगा अंडर सेल्स अकाउंट में ये जाएगा, तो ये सेल्स अकाउंट कर दीजिए, यहाँ पे ये ग्रुप बनाई हुआ है, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर TCS एप्लीकेबल रहेगा, एंटर प्रेस करना है यहाँ पे आके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमें बनाना होगा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी सुबह एक वीडियो बनाया उसमें हमने बताया था TCS ऑन सेल्स करके हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे TCS ऑन सेल्स, ठीक है। तो ये कर दिया हमने TCS ऑन सेल्स, ओके। और इसके लिए जो सेक्शन है कोई सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन डाल देता हूँ, आप सेक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल, ठीक है। बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ रेट फॉर इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, तो यहाँ पर रेट डाल देते हैं हम, ठीक है, विथ पैन और विदाउट पैन। तो यहाँ विथ पैन कर देते हैं 1%, ठीक है, और ये विदाउट पैन है तो यहाँ पे कर देते हैं 1.5%, ओके। तो ये हो गया हमारा TCS, ओके, ये TCS हो गया। और यहां पर एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट डालनी है हमें, तो 1,00,000 की लिमिट डाल देते हैं, ठीक है। ये 1,00,000 की लिमिट डाल दी हमने और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम पहले से मौजूद है या नहीं है, ठीक है। जैसे आपने बनाया है मॉनिटर, मॉनिटर की स्पेलिंग आपने गलत कर दी है, तो चलिए पहले इसको हम सही भी कर लेते हैं, ठीक है। अल्टर पे जाकर के इसको सही करेंगे, तो अल्टर पे जाएंगे और अल्टर पे जाकर के इसको सही करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टॉक आइटम और आपने बनाया था मॉनिटर, तो मॉनिटर में MONITOR होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी ये हो गया, ठीक है। अब पार्ले जी बनाया है तो पार्ले जी सही है। अब बाहर आ जाते हैं, अब हमें वापस से वही चलना है सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में आने के बाद हमें क्या करना है, सुभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी ये ले लेना है, ठीक है, ये ले लिया हमने, एंटर प्रेस करके और यहां पर आ गया सेल्स अकाउंट का रेजर लगा लिया। अब यहां पर ले लेते हैं मॉनिटर, ठीक है, 180 मॉनिटर हमारे पास अवेलेबल है, 180 का 180 सेल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कीमत क्या रखेंगे, 17,000 रुपए कीमत रखेंगे इसकी, ठीक है। तो ये रख दिया हमने और यहां पर ये आ गया। अब इसके बाद पार्ले जी बिस्किट है, तो इसको हम क्या करते हैं यहां पे इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, एक पैकेट है हमारे पास, ठीक है, तो एक पैकेट यहां पर कर देते हैं
और एक पैकेट इसकी कीमत क्या रहेगी, 700 रुपये रहेगी। एक पैकेट में कई सारे बिस्किट्स आएंगे, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे जीएसटी अगर आपने बनाया है तो आप लगा सकते हैं, फिलहाल इसमें जीएसटी नहीं लगाया गया है, ठीक है, जीएसटी को बंद कर दिया है मैंने। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना है, नहीं बनाया है तो हमें बनाना होगा। तो यहां पे करना है TCS ऑन सेल्स, ठीक है, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। ये किसमें जाएगा, TCS डिडक्ट होगा तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, किसमें जाएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ना, TCS ये यहां पे करोगे और ये TCS ऑन सेल्स बनाया है ना, ये हो गया। तो यहां पे जब करोगी तो देखो ये TCS कट के आ गया है आपका, ठीक है, दिख रहा है TCS, इस तरीके से TCS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये हो गया। अब बाहर आकर के एक बार प्रिंट देख लेते हैं, इसका कैसा प्रिंट आया हुआ है। तो ये सुभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो था, यहां Alt के साथ P प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और यहां से आई बटन प्रेस कर लीजिए प्रीव्यू देखने के लिए। तो ये आपकी इनवॉइस है और यहाँ पे TCS जो है डिडक्ट होकर आया हुआ है, TCS और सेल्स, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।